है या इनकी पुत्र वधू का? इनके साथ दूंगा। तो साहब पूछण गए कभी? हां जी बीते रोज मेरे से बोल लेवे पूछे आपने। हां वो जनगा पूछण ने तो ऐसा। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। जैसा कि आपने पिछली वीडियो देखी है कि सोनू और भोला पुछकुआ से उस गांव की महिला को, दो बच्चों की मां को लेकर भागा हुआ है, और जो है पिछली वीडियो देखी है उसके सास ससुर बच्चे की, और अभी जो लड़का भाग लेकर भागा हुआ है इसको, सोनू को, भोला, उसके घर पाए हुए हैं ये परिवार, उसकी सोनू की ननंद और बाकी परिवारजन जो है उनका ससुर भी और उस भोले घर पाए हुए हैं। और ये मैं दिखाना चाहूँगा, इनसे बातचीत करेंगे अभी कि क्या रहा क्या नहीं, कैसे कैसे ले गए हैं नहीं गए हैं, क्या झूठ है क्या सच है, टोटली सच्चाई का माजरा आपके सामने लेके आएंगे। पता लगे अभी, और हमारी पूरी मीडिया टीम आई हुई है यहाँ, और तो बातचीत करते हैं अभी क्या रहा क्या नहीं। मालो मालो गेट बताओ जी आगे होगा। ये उनका मकान है, ये जो इस लड़के ऊपर आरोप है कि इनकी पुत्र वधू के लिए गया हुआ है, ये उनका ससुर जो है विलाप करते हुए पूरे परिवार जो है दुखी होता हुआ यहाँ पहुँचे है। हाँ, इस पर शक नहीं है, पूरा ये ले गए जा रहा है, यही यही मकान है ना जी भोले का? हाँ, भोले का। ये देखो, और आप उसे सोनू के ससुर हैं? हाँ जी, ये सोनू के ससुर हैं, और ये इनके पुत्र वधू का ये इनका आरोप है कि इस घर में जो लड़का भोला है वो हमारे पुत्र वधू को लेकर भागे हुए हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। आप भोले के पिताजी हो सर? आपका ये मकान है? ये इनका आरोप है जी कि आपका बेटा इनके पुत्र वधू को लेकर चला गया है। क्या कहोगे आप लोग, ये बात सच है झूठ है जी? सच है, लेके जा रहे आपका लड़का? हाँ सच है जी, मैं झूठ ना बोलूं। फिर आपको पता नहीं बेटा कहाँ है जी? आपके बेटे की शादी होने वाली थी 15 दिन को, और 10-11 दिन पहले लेके भाग गया है इन्हीं पुत्र वधू को। आप ये मानते हैं कि दो बच्चों की माँ, एक बच्चा वहाँ विलाप कर रहा है, को साथ में ले गई है, और घर खंडमंड हो गया है सारा, विलाप कर रहे हैं, ये सही कर रहा है गलत कर रहा है जी? गलत कर रहा है जी। फिर आप इस खराब घड़ी में आप लोग अपने बेटे का साथ देंगे या इनकी पुत्र वधू का? इनका साथ दूंगा। तो साहब पूछने गए कभी? हाँ जी, बीते रोज मेरे से बोल लेवे थे पूछे आपने। हाँ, वो जनगा पर पूछने ने तो ऐसा है जी, जैसे भाई मिलता जुलता तो रहा है, लेकिन बाकी भाई ये कह रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? कर रहे हैं जी, बटे हुए महाराज जा रहे हैं, सवाई माधोपुर भी जा रहे हैं, और बटोरनो बटे भी जा रहे हैं, घूमने लाग रहे हैं। एप्लीकेशन दी आपने गाड़ी वाड़ी? गाड़ी की एप्लीकेशन दी? गाड़ी का दे रखी जी, वो फाइनेंस वाला भी आ लिया जी। इन्होंने बता दा ना कि शुरू में जो ले गया है कि अपने, एक जने ने बताया था कि वो प्राण ले गया, एक जने ने बताया कि दिल्ली गाड़ी बथवा ले गई है, आप भी कुछ ऐसे बातें घुमा रहे थे। बोले जी वो गया है बथवा लेके दिल्ली, आपसे बात करी, आप बोले जी वो तो तिरपाल घेर कर, वो तो तूड़ा लेने के गया पंजाब। भाई बंद कर ले, वो बंद कर ले तू तो के पर... हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये था कि भाई जैसे मैंने जैसे दो बात पाई ना, तो मैं कहूँ भाई 99% ये भोला ही ले गया बस बहुत। तो फिर इसमें बोले ही गलती माना ही नहीं, क्या गलती माना जी? ये तो आज भी कह रहे जी ले गया जी, और अमीन का साथ देंगे। मैं तो गलती नहीं, मैं इनको गलती थोड़ी बता रहा हूँ, मैं को जी लड़का इसका है कृष्ण का, इसने दो चार बच्चों में भी ये कही है, अब हम अपनी पूरी रिश्तेदारी में छान बीन कर रहे हैं, हम अपने में कर रहे हैं, हम थारी में कर रहे, हो सके बाड़ा की रिश्तेदारी में चला गया। क्योंकि देखो माँ बाप हो या सास ससुर हो, कोई नहीं चाहता जी बेटा बेटी गलती करे, पुत्र वधू गलती करे, मानते हो ना आप लोग जी? तो इस समय जी जो आप शिकायत लेकर जैसे ये थाने में जा रहे हैं, आप भी गए हैं इनके साथ? गया जी, यहाँ जाओ ना। किसके भाई हो आप? सुरेश का भाई। अच्छा, सुरेश के भाई हो आप? अच्छा अच्छा, तो आपके साथ गए हैं कभी? देखे अंकल जी आपने चौकी में? नहीं, हमारे साथ नहीं गए। तो अकेले गए अंकल इनके साथ पुलिस चौकी में? अच्छा अच्छा, तो ये बात हो ही है। थोड़ा आगे ना जाओ जी, और ना आप इस पर मोजे न्यू सर के हां न्यू। फिर पुलिस वाले क्या कर रहे हैं जी अभी? हां जी, पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? आप तड़के ले आओ, आज ले आओ, जल्दी करो, ना चित्र लगगा तार चालान करांगा। उनके लोकेशन लाके से नहीं कटवाई, कहां पे रखी जी? कहां रह रहे हैं बताओ? हां जी, कहां पे रह रहे हैं फिलहाल? के पता जी, ये तो पुलिस वाला बता, हमने तो फोन ना मार दो तोड़ के, मैं नाम ना तो के भी। और आप एक ही गांव के दोनों? हां, एक ही गांव का।
जो उस लड़के का रिश्ता होया था उनको क्या कही आपने? क्या बस जी, हमने उस दिन बात किया, उस सज्जन ने कहा दीदी जी महाराज लड़का भगाया बाज और अपने लड़की की शादी कर दो। उन्हें शादी और कहीं कर दी कि नहीं? कर दी जी, उसी तारीख में कर दी। कौन से गाँव में बराजानी थी? बिरोड़ जी। आपने तो पूरी तैयारी कर रखी थी? तैयारी कर रखी थी बिल्कुल सारी। आपने करो या अपना? हाँ जी बिल्कुल कराए जी। और कोई माँ बाप ये चाहो बेटा ले भागो, तैयारी कौन कौन करेगा? ना जी ना, छह सात आदमी आए थे बिरोड़ से, वो कहने लगे एक दो दिन की मोहलत देश का जी, मोहलत ये लड़का पढ़ा लिखा है आपका? हाँ जी पढ़ रहा है। कितना पढ़ा है? बारहवीं कर रहे हैं। हाँ जी। और वो सोनू कितने पड़ी है जी? बहू उम्र कितनी है आपके लड़के की? मेरी 20 साल से जी। लड़के की? हाँ। और आपकी बहू की कितनी उम्र है? 25 साल। 25-26 साल की है। तो 5-6 साल बड़ी है। आपको बेटे बारे में कभी पता लगा जी ये इनका प्रेम प्रसंग चल रहा है, चक्कर चल रहा है जी? वो सुबह गाड़ी लेकर बथुआ लेने गया था, शाम ना आऊं 8 बजे कदे 7 बजे। मतलब किसी को शक भी नहीं होने दिया? हमने को शक नहीं था। शक हो तो बाबूजी हम तो गाड़ी ना ले जाने। यहाँ कभी देखी है वो बाबू आपने? ना मैंने साइकिल पे ना जानता जी। नहीं देखी? ना मैंने नहीं देखी, आज तक नहीं देखी। वो लड़का जाता था आपके घर? नहीं जी, मेरा घर भी नहीं गया। कभी नहीं देखे आपने अपने घर में लड़का? अब वो 4-5 साल की बेटी है जो रो रो बुरा हाल उसका माँ के बिना, आप समझ सको हो? बाल बच्चेदार हो आप भी। हम तो बच्ची ने देख के जब पूछना आए अब तक ही पूछते ले आए, पता लगे कि ना लगे? ना लगे। तो जनता आपसे उम्मीद करती है सर कि इसमें आप ताकत लगाएंगे इनको पुत्र वधु वापस लेने में, बच्चों को माँ मिल जाए घर बसाने में। बिल्कुल जनता की उम्मीद यही है। आप बड़े बुजुर्ग है, समझदार हैं और आपसे यही उम्मीद है जी, तो कोशिश करना आप भी। कर रहा कि मैं तो कई बेटे उठते हो सब ने कर रखा, कितना तो कितना तो कितना तो कितना भेद कर दो, दोनों परिवार मिलकर मदद करोगे तो थोड़ा आसान होगा। वही टाइम वापस आ जाएगा, अच्छा टाइम आ जाएगा। जी जी, ये जी आप लोगों ने देखी है तो दूसरे पक्ष की भी, जो भोला लड़का है उसके ऊपर आरोप लगाया है, इनके पुत्र वधु सुरेश नाम है जी, सुरेश जी इनके पुत्र वधु ले गए हैं और ये सच्चाई का मजर आपके सामने है, क्योंकि ये बुजुर्ग हैं दोनों और जो है इनका क्या कसूर है? इन्होंने दोनों ने मिल के अपने एक दूसरे प्रति सफाई भी दी है, सच्चाई बताई है और कोशिश में भी है दोनों के वापस आ जाए और जो है बच्चों को माँ मिल जाए, घर बस जाए, ऐसे ना जी? जी जी। तो फिलहाल हमारे पास में इतनी अपडेट है, आगे कोई भी सामने आएगी तो आप तक जरूर साझा करेंगे। और बने लोक शक्ति मीडिया से, धन्यवाद। सत्यमेव जयते।